गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जनवरी 2020 के पूरे मंथ का टॉप 100 करेंट अफेयर्स लेकर आई हूं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। फिर से, हाल ही में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। फिर से, हाल ही भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में CRPF के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा SS देसवाल को। फिर से, हाल ही में CRPF के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा SS देसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार ने सभी कंपनियों को ट्रायल हेतु कौन सा स्पेक्ट्रम देगी? तो आंसर हो जाएगा 5G। फिर से, भारत सरकार ने सभी कंपनियों को ट्रायल हेतु कौन सा स्पेक्ट्रम देगी? तो आंसर हो जाएगा 5G। क्वेश्चन नंबर 5। OTP आधारित ATM नगद निकासी प्रक्रिया किस बैंक ने लागू किया है? तो आंसर हो जाएगा SBI। फिर से, OTP आधारित ATM नगद निकासी प्रक्रिया किस बैंक ने लागू किया है? तो आंसर हो जाएगा SBI बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य में धानु मात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा में। फिर से, किस राज्य में धानु मात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस लिया है? तो आंसर हो जाएगा भारत। फिर से, किस देश ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस लिया है? तो आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 27वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर हो जाएगा झिल्ली दलबहेरा को। फिर से, हाल ही में 27वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर हो जाएगा झिल्ली दलबहेरा को। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देश कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो आंसर हो जाएगा पलाऊ। फिर से, कौन सा देश कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो आंसर हो जाएगा पलाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस भारतीय फिल्म को 92 ऑस्कर अवार्ड्स के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा द लास्ट कलर। फिर से, किस भारतीय फिल्म को 92 ऑस्कर अवार्ड्स के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा द लास्ट कलर। क्वेश्चन नंबर 11। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना से कितने पायलटों को चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा 4 पायलटों को। फिर से, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना से कितने पायलटों को चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा 4 पायलटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। उमारो सिसोको एम्बालो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा गिनी बिसाऊ। फिर से, उमारो सिसोको एम्बालो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा गिनी बिसाऊ देश के। क्वेश्चन नंबर 13।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में DRDO की 5 युवा प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में DRDO की 5 युवा प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में रूनीट डोम के काल प्रभावन की जांच की मांग की है। रूनीट डोम क्या है? तो आंसर हो जाएगा विशालकाय गुंबद जिसके अंदर परमाणु कचरा भंडारित है। फिर से, अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में रूनीट डोम के काल प्रभावन की जांच की मांग की है। रूनीट डोम क्या है? तो रूनीट डोम विशालकाय गुंबद है जिसके अंदर परमाणु कचरा भंडारित है। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने हाल ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा सुनीता लाकड़ा, जो कि उड़ीसा से बिलोंग्स करती हैं। फिर से, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने हाल ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा सुनीता लाकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु किस एकीकृत हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा 139। फिर से, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु किस एकीकृत हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा 139। क्वेश्चन नंबर 17। 1 जनवरी 2020 को संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा एस सौम्या को। फिर से, 1 जनवरी 2020 को संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा एस सौम्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन की मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा 600 करोड़ रुपए की। फिर से, हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन की मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा 600 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में बगदाद में हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में किस देश के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई है? तो आंसर हो जाएगा ईरान। फिर से, हाल ही में बगदाद में हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में किस देश के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई है? तो आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की प्रथम महिला चांसलर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन। फिर से, क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की प्रथम महिला चांसलर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन। क्वेश्चन नंबर 21। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के सुरेंद्र नगर में। फिर से, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के सुरेंद्र नगर में। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को। फिर से, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा सुचेता सतीश। फिर से, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा सुचेता सतीश। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में आरोग्य श्री योजना किसने शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। फिर से, हाल ही में आरोग्य श्री योजना किसने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने।
क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारत के किस बैंक ने क्यूबा को $75 मिलियन लगभग 494 करोड़ रुपए ऋण प्रदान किया है? तो आंसर हो जाएगा एक्जिम बैंक ने। फिर से, हाल ही में भारत के किस बैंक ने क्यूबा को $75 मिलियन ऋण प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा एक्जिम बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा संजय गुप्ता, जो कि पत्रकार हैं। फिर से, हाल ही में लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा संजय गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बन गया है? तो आंसर हो जाएगा लियो कॉर्टर, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। फिर से, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बन गया है? तो आंसर हो जाएगा लियो कॉर्टर। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कितने मीडिया हाउसेस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा 30 मीडिया हाउसेस को। फिर से, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कितने मीडिया हाउसेस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा 30 मीडिया हाउसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एकेडमी की आधारशिला कहाँ रखी? तो आंसर हो जाएगा नागपुर में। फिर से, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एकेडमी की आधारशिला कहाँ रखी? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 30, सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर। फिर से, सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर, और इसका आयोजन भोपाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 1901 ईस्वी के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो आंसर हो जाएगा 2019। फिर से, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार 1901 ईस्वी के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो आंसर हो जाएगा 2019। क्वेश्चन नंबर 32, भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर से, भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 6 जनवरी से भारत और किस देश के नौसेना के बीच नसीम अल बहर युद्धाभ्यास का आयोजन शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा ओमान, भारत और ओमान के बीच। फिर से, 6 जनवरी से भारत और किस देश के नौसेना के बीच नसीम अल बहर युद्धाभ्यास का आयोजन शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा ओमान और भारत के बीच, और आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 34, 8 जनवरी को तेहरान में निम्न में से कौन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए? तो आंसर हो जाएगा बोइंग 737-800। फिर से, 8 जनवरी को तेहरान में निम्न में से कौन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए? तो आंसर हो जाएगा बोइंग 737-800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35,
किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। फिर से, किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया? तो ये पुस्तक नरेंद्र मोदी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 36। कप्तान के रूप में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली। फिर से, कप्तान के रूप में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस बैंक ने 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है? तो आंसर हो जाएगा डच बैंक ने। फिर से, हाल ही में किस बैंक ने 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है? तो आंसर हो जाएगा डच बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। केंद्र सरकार ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों का प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को कितना करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 5,559 करोड़ रुपए। फिर से, केंद्र सरकार ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों का प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को कितना करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 5,559 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च उपग्रह की नई श्रृंखला IDRSS का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। फिर से, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च उपग्रह की नई श्रृंखला IDRSS का पूर्ण रूप क्या है? तो IDRSS का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में सुर्खियों में रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। फिर से, हाल ही में सुर्खियों में रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 41। केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2019-20 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो आंसर हो जाएगा 5%। फिर से, केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2019-20 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो आंसर हो जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 42। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए किस भारतीय मूल का महिला को जज के पद पर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा सामिया नसीम को। फिर से, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए किस भारतीय मूल का महिला को जज के पद पर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा सामिया नसीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। बहुपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास मिलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। फिर से, बहुपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास मिलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में, और ये आयोजन मार्च 2020 में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा 84वां। फिर से, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा 84वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आवास और शहरी विकास निगम के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा एम नागराज। फिर से, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आवास और शहरी विकास निगम के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा एम नागराज। क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। फिर से, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। जोरान मिलानोविक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा क्रोएशिया के। फिर से, जोरान मिलानोविक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर हो जाएगा क्रोएशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच किस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में। फिर से, 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच किस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने यशस्विनी योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। फिर से, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने यशस्विनी योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। फिर से, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में पीएम मोदी ने कोलकाता के ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 33 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। फिर से, हाल ही में पीएम मोदी ने कोलकाता के ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 33 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में चर्चा में रहा सॉपर क्या है? तो आंसर हो जाएगा सॉपर एक मालवेयर है। फिर से, हाल ही में चर्चा में रहा सॉपर क्या है? तो आंसर हो जाएगा मालवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा केरल। फिर से, हाल ही में किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 54। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2019 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? तो आंसर हो जाएगा 7.35%। फिर से, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2019 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? तो आंसर हो जाएगा 7.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 17 जनवरी 2020 को भारत का GSAT-30 उपग्रह कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंच गुयाना। फिर से, 17 जनवरी 2020 को भारत का GSAT-30 उपग्रह कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंच गुयाना से। क्वेश्चन नंबर 56। केंद्र सरकार ने पर्यटन हेतु समग्र विकास के लिए भारत के कितनी द्वीपों की पहचान की है? तो आंसर हो जाएगा 26 द्वीपों की। फिर से, केंद्र सरकार ने पर्यटन हेतु समग्र विकास के लिए भारत के कितनी द्वीपों की पहचान की है? तो आंसर हो जाएगा 26 द्वीपों की पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57।
किस भारतीय 5 वर्षीय बच्चे ने 1 घंटे तक नॉनस्टॉप नी स्ट्राइक मारकर ताइक्वांडो में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा आसमन तनेजा ने। फिर से, किस भारतीय 5 वर्षीय बच्चे ने 1 घंटे तक नॉनस्टॉप नी स्ट्राइक मारकर ताइक्वांडो में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा आसमन तनेजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 2020 का मलेशियन मास्टर्स 2000 का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा केंटो मोमोटा ने। फिर से, 2020 का मलेशियन मास्टर्स 2000 का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा केंटो मोमोटा ने। क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। फिर से, हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किसे अगले 1 वर्ष के लिए भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गिरीश कुमार को। फिर से, निम्न में से किसे अगले 1 वर्ष के लिए भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गिरीश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 61। केंद्र सरकार ने किस दिन से सोने में BIS हॉल मार्किंग अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 2021 से। फिर से, केंद्र सरकार ने किस दिन से सोने में BIS हॉल मार्किंग अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में किस लेखक को 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव मोही को। फिर से, हाल ही में किस लेखक को 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव मोही को। क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में 5वां विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा गोवा के पणजी में। फिर से, हाल ही में 5वां विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा पणजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। महिला युगल वर्ग में होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा तथा नादिया किचेनोक ने। फिर से, महिला युगल वर्ग में होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा तथा नादिया किचेनोक ने। क्वेश्चन नंबर 65। संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? तो आंसर हो जाएगा 5.7%। फिर से, संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? तो आंसर हो जाएगा 5.7%। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा SK सैनी। फिर से, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा SK सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। विदेशी धरती पर 500 टेस्ट मैच खेलने वाली विश्व की प्रथम टीम कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम। फिर से, विदेशी धरती पर 500 टेस्ट मैच खेलने वाली प्रथम विश्व की प्रथम टीम कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम। क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा। फिर से, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किस राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत लगभग 4.25 करोड़ लोगों ने 16,351 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। फिर से, किस राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत
लगभग 4.25 करोड़ लोगों ने 16,351 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 70, किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आंसर हो जाएगा भारत। फिर से, किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा किरण मजुमदार शाह को। फिर से, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा किरण मजुमदार शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 2,379 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। फिर से, 2,379 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग का निर्माण किस शहर में, किस राज्य में किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आंसर हो जाएगा 76वां। फिर से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आंसर हो जाएगा 76वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय ओडिशा महोत्सव शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। फिर से, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय ओडिशा महोत्सव शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट में किसे भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा झरिया को। फिर से, हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट में किसे भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा झरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। फिर से, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत 2008 से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस मेट्रो ने रेड बस के साथ साझेदारी की है। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद मेट्रो ने। फिर से, हाल ही में किस मेट्रो ने रेड बस के साथ साझेदारी की है। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद मेट्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में किसने रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर के लिए वेस्टर्न यूनियन के साथ साझेदारी की है। तो आंसर हो जाएगा एयरटेल। फिर से, हाल ही में किसने रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर के लिए वेस्टर्न यूनियन के साथ साझेदारी की है। तो आंसर हो जाएगा एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में कैटरीना सकेलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आंसर हो जाएगा ग्रीस। फिर से, हाल ही में कैटरीना सकेलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आंसर हो जाएगा ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 80, 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। फिर से, 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारत का प्रथम पशु युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरठ में। फिर से, भारत का प्रथम पशु युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 82,
गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन ग्रिड तथा शहरी गैस वितरण नेटवर्क का क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में कितना करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 45,000 करोड़ रुपए। फिर से, गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन ग्रिड तथा शहरी गैस वितरण नेटवर्क का क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में कितना करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 45,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रिया प्रकाश को। फिर से, सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रिया प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिण एशिया की चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। फिर से, दक्षिण एशिया की चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, सैमसंग के नए प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केन कॉन्ग को। फिर से, सैमसंग के नए प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केन कॉन्ग को। क्वेश्चन नंबर 86, केनरा बैंक के नए एमडी तथा सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा एलबी प्रभाकर। फिर से, केनरा बैंक के नए एमडी तथा सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा एलबी प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में किस राज्य ने कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $210 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर से, हाल ही में किस राज्य ने कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $210 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे। फिर से, हाल ही में जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे, और भारत का स्थान इसमें 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, किस देश को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। फिर से, किस देश को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 90, RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा। फिर से, RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, किस राज्य की पुलिस ने पुलिस हेल्थ रन नामक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन करेगी? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर से, किस राज्य की पुलिस ने पुलिस हेल्थ रन नामक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन करेगी? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, किस देश के राष्ट्रपति 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील देश के। फिर से, किस देश के राष्ट्रपति 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 93, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर से, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल को। फिर से, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल को। क्वेश्चन नंबर 95,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर से, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा देश 2019 में विश्व का शीर्ष शूटिंग राष्ट्र बना है? तो आंसर हो जाएगा भारत। फिर से, कौन सा देश 2019 में विश्व का शीर्ष शूटिंग राष्ट्र बना है? तो आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। फिर से, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बिपिन रावत को। फिर से, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बिपिन रावत को। क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा खराब ट्रैफिक वाला शहर कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। फिर से, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा खराब ट्रैफिक वाला शहर कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।